हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1920। सो आज हम बात करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री, जिसमें पहला टॉपिक है DRs एंड DCs से रिलेटेड, दूसरा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन और तीसरा टॉपिक है प्लेन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन एंड DRs एंड DCs। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी वैक्टर आपको जनरल गिवन है AI प्लस BJ प्लस CK, then coefficients of I, J, K represents DRs of this vector, general vector. That means A, B, C. Suppose हमें magnitude find करना है इस vector का, under root A square plus B square plus C square. And if we have to calculate unit vector R, then this equals to vector R upon magnitude of R. A upon this factor into I plus B upon this factor into J plus C upon this factor into K. Now unit vector में जो I, J, K के multiples हैं वो represent करते हैं L, M, N को, यानी DCs को, ठीक है। तो DCs और DRs में क्या relation है कि general vector में जो I, J, K के multiples हैं that are simple DRs, direction ratios, लेकिन यूनिट वेक्टर में जो आई जे के मल्टीपल्स हैं दैट आर डी सीज डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो अगर हमारे पास डी आर्स हैं तो हम डी सीज फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। एक रिलेशन हमारे पास है, अगर हम इन तीनों वैल्यूज के स्क्वायर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इजिली 1, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। L, M, N, कोई भी दो वैल्यूज आपको गिवन है, थर्ड वन आपको फाइंड करनी है, देन अप्लाई दिस रिलेशन। इफ वी हैव गिवन अल्फा बीटा गामा, हियर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली टू वेक्टर R, देन L, M, N आर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सपोज हमें कहीं पे टू पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो भी हम डी आर्स फाइंड कर सकते हैं ए बी के सिंपली कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके। क्योंकि जब हम वेक्टर ए बी फाइंड करते हैं तो वेक्टर ए बी की वैल्यू, क्योंकि ये डी आर्स हैं तो अगर हम माइनस कॉमन भी करेंगे डजंट मैटर, दैट मीन्स एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन भी आप यूज कर सकते हैं, और एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन माइनस वाई टू, जेड वन माइनस जेड टू भी आप यूज कर सकते हैं। एक चीज और है, जब आप डी आर्स फाइंड करें और इनमें तीनों में सपोज कोई टर्म कॉन्स्टेंट से आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी कोई टर्म कॉमन है तो आप डिवाइड करके भी दे सकते हैं, दैट आर ऑल्सो प्रपोर्शनल वैल्यूज, ठीक है। और अगर हमें सपोज ए बी के क्या फाइंड करने हैं डीसीज, तो अब ए बी सी हमारे पास आ गए तो सेम इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके एल एम एन यहां से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द टॉपिक ऑफ डी आर्स एंड डीसीज, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन कंपेरिजन टू प्लेन। थोड़ा सा ईजी है क्योंकि लाइन में केवल दो ही फॉर्म है हमारे पास, जबकि प्लेन में बहुत सारी फॉर्म्स हमारे पास हैं। तो लाइन में कौन कौन से दो फॉर्म्स हैं, व्हेन डायरेक्शन वेक्टर एंड पॉइंट्स आर गिवन, एक पॉइंट और लाइन के डायरेक्शन वेक्टर, यानी कोई वेक्टर जिसके की लाइन क्या है पैरेलल है लाइक दिस, या कोई दूसरी लाइन जिसके रिक्वायर्ड लाइन क्या है पैरेलल, फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है, व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। तो पहले हम फर्स्ट केस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सपोज ये लाइन है जो हमें फाइंड करनी है, जिस पर एक पॉइंट नोन है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, एक पी जनरल पॉइंट है जिसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर आर से। जैसे इक्वेशन में आप एक्स वाई जेड यूज करते हैं कार्टेशियन में, वैसे ही वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आर यूज होगा। आर की वैल्यू हमेशा हम यूज करेंगे, चाहे वो प्लेन है या वो लाइन है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब वेक्टर बी के ये लाइन क्या है पैरेलल, पैरेलल के लिए कंडीशन थी कि आप एक कांस्टेंट से इंटू करके उनको इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास दोनों पॉइंट हैं पॉइंट ए और पॉइंट पी, तो हम वेक्टर ए पी फाइंड कर सकते हैं आर माइनस ए की हेल्प से, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर्स में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। अगर ए पी पैरेलल है वेक्टर बी के तो हम ए पी को कंसिडर कर सकते हैं लैम्डा इंटू वेक्टर बी। AP के प्लेस पर हमने AP की वैल्यू पुट की, A को राइट साइड ले गए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, व्हेन अ पॉइंट इज गिवन एंड डायरेक्शन वेक्टर इज गिवन। अगर सपोज हमें इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है,
आपको ये डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये डेरिवेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए. एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इन प्लेस ऑफ आर. ए के प्लेस पर एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं आप. बी वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. दोनों साइड से हमने कंपेयर किया है आई जे और के को. यहाँ पे आई का मल्टीपल है एक्स और यहाँ पे आई का मल्टीपल है लेमडा ए और एक्स वन. तो एक्स इक्वल हो गया एक्स वन प्लस लेमडा ए के, वाई इक्वल है वाई वन प्लस लेमडा बी, जेड इक्वल है जेड वन प्लस लेमडा सी. ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं एक जनरल पॉइंट को जो इस लाइन पे लाए करता है, जिसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज और इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अगर हम यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर दें, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो वैल्यू हमें मिलती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए. ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू तीनों किसके इक्वल है? लैम्डा के. तो ऑब्वियसली ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी और ये ही इक्वेशन है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म ऑफ लाइन. x माइनस एक्स वन ओवर ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी इक्वल्स टू लैम्डा. x1, y1, z1 coordinates of point which lie on the line and a, b, c are direction vector. Okay? तो ये दो form बस आपने याद रखनी है. Vector form ये है और Cartesian form ये है. अगर हम second form की बात करें तो second form में थोड़ा सा slightly change है कि ये हमें given नहीं होगा. अब क्या given होगा? एक point b given होगा जिसका की direction vector आपको known होगा, ए और बी. अब ए बी और पी तीनों क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं. तो यहाँ पे ए पी की वैल्यू यही होगी और पैरेलल टू करेंगे आप ए बी के. और ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी? ए बी की वैल्यू आप लेंगे लैम्डा बी माइनस ए. तो यहाँ पे जो स्लाइटली चेंज हो गया है अब वो टर्म आपकी बन जाएगी बी माइनस ए. Now this is two point form. Second point minus first point वो देगा drs. ठीक है, इसी टाइप से जब हम ये कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में बस केवल चेंज क्या होगा कि अपॉन में आपके पास आ जाता है यहां पर x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1. बाकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं है. लाइन के केवल ये दो ही फॉर्म्स हैं हमारे पास. अब देखते हैं हम लाइन में अगर हमें एंगल फाइंड करना है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो कैसे करना है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर लाइंस आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो इस टाइप से होंगी आर इक्वल्स टू ए वन प्लस लेमडा बी वन. ये दो वेक्टर्स होंगे कोई भी. और सेकेंड लाइन होगी आर इक्वल्स टू ए टू प्लस म्यू बी टू. जब भी आप एंगल फाइंड करेंगे उसमें पॉइंट्स का कोई रोल नहीं है, यानी ए वन ए टू कहीं भी यूज नहीं होगा. केवल जो उसके डायरेक्शन वेक्टर्स हैं यानी जो कांस्टेंट के साथ वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन में उनका मॉड. और कंप्लीट का आप मॉड लेके एंगल फाइंड कर सकते हैं सिंपली जैसे टू वेक्टर्स का आप एंगल फाइंड करते हैं, जस्ट लाइक दैट. कॉस थीटा आपने यूज करना है. अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली कॉस 90 क्या हो जाता है? जीरो. और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो बी वन प्रोपोर्शनल होना चाहिए बी टू के. सपोज लाइन्स हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो फॉर्म इस टाइप से कुछ होगा. x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन फर्स्ट लाइन. और सेकेंड लाइन भी इसी टाइप से होगी x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल्स टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल्स टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू. अब आपका जो ऊपर पॉइंट आप यूज कर रहे हैं उसका कोई रोल नहीं है एंगल में, केवल अपॉन वाले जो टर्म्स हैं. बस ये ध्यान रखना है कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे x माइनस वन ही हो न्यूमरेटर में. अगर आपके पास है 2x माइनस टू तो पहले आपको 2 कॉमन करना पड़ेगा. वो हमने क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, 60 डेज का जो प्रिपरेशन है उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने क्वेश्चंस के साथ. और अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें भी हमने इनको किया होगा. x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल्स टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू. तो जो ये अपॉन के नंबर्स हैं बस इनका आपने प्रोडक्ट का सम लेना है न्यूमरेटर में,
दैट मीन्स ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू और अपॉन में अंडर रूट में ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर और सेकेंड अंडर रूट में ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर. कॉस थीटा अगर सपोज आपको कहीं पे लाइंस के डीसीज गिवन है तो भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ए वन अपॉन दिस टर्म रिप्रेजेंट करता है एल वन को, ए टू अपॉन दिस टर्म रिप्रेजेंट करता है एल टू, सेम ऐसे ही एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू. अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो ये प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए या ये प्रोडक्ट भी आप जीरो ले सकते हैं और अगर पैरेलल हैं तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल होगा बी वन अपॉन बी टू इक्वल होगा सी वन अपॉन सी टू के. ठीक है, अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो उससे पहले हम एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट आर स्क्यू लाइंस. वट आर द स्क्यू लाइंस? जैसे एक रूम है उसकी इंडिविजुअल वॉल्स हैं आपकी, वो अलग अलग प्लेन को शो कर रही हैं, जबकि 2D में क्या होता है, टू डायमेंशनल स्पेस में या तो लाइंस पैरेलल होती हैं या इंटरसेक्टिंग होती हैं, बट 3D के केस में ऐसा पॉसिबल है कि लाइंस ना तो पैरेलल हों और ना ही इंटरसेक्टिंग हो. ऐसी लाइंस को हम कहते हैं दैट आर स्क्यू लाइंस. तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम फाइंड करते हैं तो वो डिस्टेंस जो दोनों लाइंस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट इज नोन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. Like this, PQ is shortest distance. Then this represent, this is perpendicular to first line as well as second line. जब भी हम दो line या दो vector के perpendicular vector की बात करते हैं तो हमेशा हम use क्या करते हैं, cross product. ठीक, तो हमने इसका direction कैसे find करना है, जो दोनों lines का direction है यानी B1 और B2 जो direction vectors हैं उनका cross product. अब क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट की हेल्प से. तो इसको आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट फॉर्म करके. A2 माइनस A1 ये जो पॉइंट्स हैं ये मैग्नीट्यूड देगा PQ का, यानी A2 माइनस A1 करके आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है. एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, उनका डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, वो एक स्केलर. अपॉन में जो ये वेक्टर आपका आया होगा उसका मैग्नीट्यूड, वो भी एक स्केलर है, तो ये हमें मिल जाता है SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर सपोज ये लाइंस पैरेलल हो जाएं तो पैरेलल लाइंस में B1 B2 का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो SD हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे. तो उस केस में हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है B क्रॉस A2 माइनस A1, यानी जो A2 माइनस A1 का वेक्टर आएगा उसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे B के साथ, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, फिर उसका कंप्लीट मॉड आपने फाइंड करना है अंडर रूट करके और यहाँ पे केवल बी का मॉड आएगा. ठीक है, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग कहीं पे शो करनी है तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जीरो शो कर सकते हैं, दैट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. ठीक है, तो ये था आज वीडियो में कंप्लीट रिविजन ऑफ लाइन एंड DRs एंड DCs. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस और एग्ज़ाम के बाद आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं इस चैनल पर. तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. टिल देन, बाय बाय.